गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आपका प्रैक्टिस चैनल स्वागत है और मैं संतोष कुमार। आज हम आपको सेवन क्लास का बच्चे को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए पहला है सम। समथिंग भिन्न जो फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन वह चीज़ होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं अंश बटा हर, अंश बटा हर। ठीक है बेटा, इंग्लिश में बेटा होता है न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक बेटा, न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है बेटा, यानी कि अंश बटे हर को बोलते हैं, यानी पी बटा क्यू रूप में जो होता है उसे बेटा बोलते हैं फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। फ्रैक्शन बेटा आठ प्रकार के होते हैं, जैसे पहला सम है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, जिसका अंश यानी कि जिसका न्यूमिनेटर ज्यादा हो और इसका वो कम। क्लियर हो गया मतलब वो क्लियर हो रहा है। यानी जिसका अंश ज्यादा हो और हर कम हो, जिसका अंश ज्यादा हो न्यूमिनेटर ज्यादा हो और हर कम हो। क्लियर हो गया पक्का। इसे एग्जाम्पल में आप भी ले सकते हो, 5/3, 7/2, मतलब जिसका अंश यानी न्यूमरेटर ज़्यादा हो, यानी अंश ज़्यादा हो हर कम हो, अंश ज़्यादा हो हर कम हो, न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डेनोमिनेटर कम हो। क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा, जैसा छोटा हो जाएगा 3/4, 3/5 और 2/7, यानी कि जिसका अंश कम हो न्यूमरेटर कम हो, इसमें अंश ज़्यादा हो न्यूमरेटर ज़्यादा हो। दोनों क्लियर हो गया पक्का। मिस भी देखो, जैसे मैंने लिखा 2/2, 2/3, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, 2 को पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 × 2 यहाँ 1 आ गया। इसको लिखेंगे यहाँ और इसको लिखेंगे ऊपर, इसको लिखेंगे नीचे, ये यहाँ का हो गया फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। अब तुल में क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं, जैसे बेटा 3/2 इसका 2, 9/4 9/4 मान लो या फिर 6 मान लो। ठीक है, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, यानी कि ये हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, इसी को करेंगे। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम कहते हैं उल्टा, जैसे कि 3/2 आ गया। ठीक है, 3/2 आ गया, अब आपको व्युत्क्रम बोलना करने के लिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/3। समझ गया, यानी कि इसका उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना, जैसे कि ये था बिल्कुल उल्टा कर दिया बिलो। अब समान क्या होता है, जिसका अंश जिसका हर समान हो, जैसे 3/2, 4/2, 8/2, 6/2, जिसका हर समान हो, जिसका डेनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, और असमान में उल्टा उल्टा, जैसे 3/2, 4/5, 2/3, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो कहते हैं असमान। क्लियर हो गया। संयुक्त में क्या होता है कि एक ऊपर है एक नीचे और 2/3 है, राइट ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, राइट, और 2 को 2 से करेंगे, 2 को 2 से, यानी 9/4। यानी कि जो ऊपर की संख्या होगा, जरूरी नहीं संख्या लिखना, समझा गया ना, जो भी कोई रहेगा इस तरह से चीज़ होगी, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना। आप देखिए फ्रैक्शन का हम बहुत सारे सवाल भी बताएंगे भी आपको, बहुत सारे तमाम जो चीज़ें सवाल है वो हम आपको भी कराने जाएंगे। देखिए अब आपको बताना है आरोही और अवरोही में क्या अंतर है। ध्यान देखो, देखो ध्यान से, एक तरफ आ गया आरोही क्रम, आरोही क्रम, एक तरफ आ गया अवरोही, अवरोही क्रम। ठीक है, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। चलो देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने ले लिया एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया इसमें 2/3, 4/2, 5/3, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है कम को आगे लिखना, जो कम होता है कम को आगे लिखना हमेशा।
इसमें लिखते हैं ज्यादा को आगे लिखना, ज्यादा को आगे लिखना, ठीक है, ज्यादा को आगे लिखना। अब देखो क्या करें, पहले इसको हम एग्जाम करेंगे 3 2 2 का, तो हम पहले इसको एग्जाम करेंगे 2 3 2 3, तो यहां हो जाएगा 3 से 1 2 1, यहां 2 से करेंगे 1 1 1, 3 2 6 यानी यहां 6 हो गया, तो यहां 6 हो गया, ठीक है। एलसीएम के बाद हम करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड की कॉलम बनाएंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे 3 को 6 से, फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्लियर हो गया। पहले हमने किया एलसीएम, फिर हमने डिवाइड किया, क्लियर हो गया। पीछे से डिवाइड करना है, अब यहां आ गया 2 आ गया, यहां 3 आ गया, 2 यहां आ गया, राइट। अब जो ऊपर उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, यहां आ गया 4, तो यहां आ गया 4, ऊपर 4 4 से गुणा करो यानी 12, यहां हो गया 12, यहाँ 5 है तो 5 से करेंगे, तो कितना आ गया 10, यानी 10 हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखो, यहाँ देखना अब हो रहा है कम को आगे लिखना, कम आगे कितना 4 है, तो ये बड़ा आ जाएगा इसमें 2/3, फिर कौन है कम इसके बाद ये, तो यानी यहाँ आ जाएगा 5/3, फिर ए है तो यहाँ हो जाएगा 4/2, ये आपके आंसर हो गए असेंडिंग ऑर्डर। उसमें ज्यादा को, ज्यादा कौन है 12, तो इसका हो जाएगा 4/2, ठीक है। फिर कौन सा आएगा 5/3, फिर कौन सा आएगा 2/3, क्लियर हो गया, क्योंकि इसके सामने कितना है 12/6, इसके सामने कितना हो गया 10/6, इसके सामने कितना हो गया 4/6, समझ गए, तो ए संख्या होगा, इसको आरोही और अवरोही आपको समझ में क्लियर हो गया पक्का। आगे देखिए, जो नहीं आएगा बच्चों आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा सर, तो प्लीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे देखो, जैसे मैं लिखा 3/2 + 1/3, इसको कैसे बनाएंगे, देखो ये सम संख्या है, इवन नंबर है, ये आपका ओड नंबर भी सम संख्या, तो जहां भी कोई सम संख्या और ओड नंबर हो, सम संख्या भी सम संख्या, ओड नंबर इवन नंबर, तो हम गुणा करते हैं 4 3 = 12, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो 9 और 4 = 4, तो यानी कितना हो गया 13/12, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे आपने ऐसा लिया सवाल और यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है, दोनों इवन नंबर है, इसको सेम लिख दो, ऊपर का सेम बता दो, लेट मत करो, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अगला जैसे एग्जांपल में, जैसे 3/5 1/5 इवन नंबर ओड नंबर है, तो सेम वही काम करो, 3 + 1 यानी 4/5, क्लियर हो गया पक्का, उतारो। आगे देखो, इसके बाद 3/5 + 1/10 ऐसा हो, अगर टेबल में आ रहा है 5/10 आ रहा है 5/10, तो 10 को लिखो, जो टेबल में जो लास्ट में जो आएगा ना उसी को लिखा जाता है। अब इसको डिवाइड करो, दो कॉलम बना लो, यहाँ 5 लिखो, राइट, यहाँ 10 हो गया, तो 5 × 10 इसको डिवाइड कर दो, 2 आ गया। अब जो संख्या आया उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ गया 6, यानी 6 आ गया। अब इसको इसे डिवाइड करो 10 × 10 यानी 1, ऊपर कितना 1, 1 से गुना करो 1, यहाँ 1 आ गया 7/10, क्लियर हो गया। तो प्लस भी इसी तरह बनेगा और माइनस भी इसी तरह भी बनेगा, प्लस माइनस भी कोई डिफरेंट नहीं है, इस देखो 3/4 - 1/4 मिल रहा है ना, सेम बता दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम बता दो, 2 × 2 = 4 यानी कि 1/2, राइट। और देखो 3/5 - 1/5 कितना आ गया 5, सेम है ना, तो 3 - 1 यानी कि 2/5, राइट,
क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, जैसे 3/2 × 1/2, तो क्या करेंगे, इस ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 = 4, ठीक है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, अगर मान के ऐसा रहेगा (20/18), तो 10 × 10 = 20, और 3 × 3 = 18, यानी 18 2/6 हो गया। अभी हो जाएगा 2 × 2 = 2, 3 × 6 यानी 1/3, क्लियर हो गया पक्का, बताते रहो, जो दिक्कत है कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में आया, तो मैं आपको दूसरे वीडियो बना दूंगा। डिवाइड करो, जैसे ऐसा डिवाइड है 2/5, ठीक है, तो डिवाइड कर देगा तो मल्टीप्लाई, तो 3/4 × 5/2 हो गया। अब क्या क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर बना करके 15 और 8, क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। अगर जैसे मानो 3/4 है और यहाँ पे डिवाइड में यहाँ दे दिया 18, कैसे करोगे, तो यहाँ पहले 1 लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 × 1/18, तो 3 × 3 = 18 हो गया, हो गया ना, और 1/6 = 24, दैट इज ऑल्स आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ए मैं आपको बताने की मैंने कोशिश किया, फ्रैक्शन का चीज बताया, और कल हम बताएंगे वीडियो में 7th क्लास का डेसिमल का मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको इतना बताया, और जब तक के लिए नमस्कार, और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है पक्का, ठीक है।